मायावती का बड़ा ऐलान। 19 को मेनपुरी एसपी बीएसपी आरएलडी के साझा रैली एसपी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने शुक्रवार को बताया कि 19 अप्रैल को मेनपुरी में एसपी बीएसपी आरएलडी की साझा रैली होगी। गठबंधन होने के बाद तीनों पार्टियों के नेता 11 साझा रैलियां करेंगे। मायावती की ये रैली ऐसे समय पर हो रही है जब मुलायम सिंह ने एसपी बीएसपी गठबंधन की सीटों के बंटवारे के बाद खुले आम इस पर अपनी नाखुशी जताई थी। हालांकि माया की रैली एसपी बीएसपी के बीच आपस की नोकझोंक खत्म होने के बाद बताई जा रही है। इस रैलियों का विशेष आकर्षण रहेंगे। अब मंच पर मायावती के साथ मुलायम सिंह यादव भी मौजूद रहेंगे। बीएसपी के जनरल कोऑर्डिनेटर सुनील चित्तौर ने कहा है कि कार्यक्रम की अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जिला इकाई को भेज दिया गया है। राजनीति विशेषज्ञों का मानना है कि यह देखना बेहद मजेदार होगा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती किस तरह से दोनों दशकों की कड़वाई को भुलाकर मुलायम सिंह के पक्ष को वोट मांगेंगी। यहाँ तक कि बहन कुमारी मायावती ही रैलियों के जरिए वोटरों को दिए जाएंगे संदेश। उन्होंने कहा कि चुनावी रैलियों को यादव और जाटा वोटरों को एक साथ लाने के लिए एक हथियार के रूप में देखा जा रहा है। एसपी और बीएसपी कोर वोट बैंक हैं। दोनों ही पार्टियों के नेता मतदाताओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि सभी गिले शिकवे भुला दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक मेनपुरी की रैली में इसी कड़वी हिंसा है। रैली सिर्फ इसी सीट के लिए होगी। बहन कुमारी मायावती ने ऐलान किया है कि मुलायम सिंह का सम्मान करें बीएसपी कार्यकर्ता। दोनों ही पार्टियों के नेता मतदाताओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी गिले शिकवे भुलाकर आपस में मिलकर बहुजन का मतलब को समझें और बहुजन समाज की वोट को बहुत ज्यादा मजबूत करें। इसलिए मायावती और अखिलेश साझा रैलियां करने जा रहे हैं। मायावती ने बीएसपी कैडर को निर्देश दिया है कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मुलायम सिंह का सम्मान करें। उन्होंने बीएसपी के चुनाव पर प्रचार सामग्री को भी अपनी अनुमति दे दी है जिसमें काशीराम और मुलायम सिंह यादव दोनों की तस्वीरें लगी हुई हैं। मेनपुरी से सांसद मुलायम सिंह के पुत्र तेज प्रताप सिंह यादव ने कहा है कि इस रैली में नेताजी मौजूद रहेंगे और अब सारा पूरे देश के सपा और बसपा के लोग नेता सभी एक हो गए हैं बीजेपी को हराने के लिए। अब बीजेपी उत्तर प्रदेश से नहीं जुटा पाएगी अपने वोटरों को। उनके सारे लुभावने वायदे होंगे खारिज क्योंकि उन्होंने अपने 5 साल के शासन काल में जनता को कुछ भी नहीं दिया है सिर्फ परेशानियों के अलावा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।